तो गाइस देखो, और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और जो आज का चैलेंज होने वाला है बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आज रीजन पे जो टॉप वन प्लेयर है उसके स्क्वाड से वर्सेस करेंगे, वो भी स्मूथ यहाँ पे गाइस, और वो भी न्यू पीसी पे। तो मेरे को नहीं पता है भाई कैसा गेम होगा, स्ट्रीम पे भी अभी वो नहीं खेला है। सीधा हम लोग यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, नए पीसी पे कैसे वो खेलता है वो प्लेयर भी मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ पे रीजन में है। गाइस इस प्लेयर को आप लोग यहाँ पे देख रहे हो भाई, टॉप वन पे बैठा है ये बंदा भाई, 99999 भाई। इससे ज्यादा भी स्कोर होता है कि नहीं कमेंट करके बताना। अभी तक तो मेरे को ये दिख रहा है ग्रैंड मास्टर प्लेयर है गाइस, ये टॉप वन पे। और बुलाते हैं इसको फ्रेंड लिस्ट में, है ये मेरी बंदा, इसको बुलाते हैं। और गाइस हेलो डोज गेमर भाई, क्या हाल है? शिवम भाई बढ़िया, बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, मेरे को बताओ यार कुछ एक दो वर्ड में कि कैसे किया टॉप वन ग्लोबल। मतलब इतने सारे भाई, हजारों लाखों बंदे ऐसा रैंक पुश करते रहते हैं, बट टॉप वन कैसे? बस शिवम भाई कंटिन्यू हार्ड वर्क है भाई। सच में मेरे को ना, मेरे को डर लग रहा है भाई तुमसे, तुम टॉप वन प्लेयर हो और भाई पसीने छूट रहे हैं मेरे। वैसे यार भाई, वैसे मेरे को ना एक चैलेंज करना है आपसे, डर भी लग रहा है अंदर से, एक चैलेंज आपको दे रहे हैं। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आप टॉप वन ग्लोबल पे तो ड्रम डैमेज वाले तो बंदे नहीं हो ना? गजब बेइज्जती है। अब हमारा वो चेक कर सकते हो, अरे नहीं नहीं यार भाई, बुरा मत मानना, ऐसे ही मजे में मैंने बस बोला है। नहीं नहीं, और तो चैलेंज वगैरह में सीएस वगैरह में पेल पाओगे नहीं पेल पाओगे या फिर मतलब? अरे भाई तुम इंडिया की इंडिया टॉप वन बैठे यार, आप बुला लियो जिसको बुला लो, 24 घंटे गेम खेलते हैं भाई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो 24 घंटे भाई? अच्छा अच्छा यार दोस्त, खेलते जब तो टॉप वन करना पड़ता है भाई साहब। तो तुम अकेला कितना खेलते हो, कितने घंटे? अकेला खेलता हूँ मैं, ये समझ लो 19-20 घंटे भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई, ये मतलब गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए गाइस। वो बुक होती है उसमें 1v4 कस्टम रूम बनाते हैं, देखते हैं भाई कौन किसको मुताएगा आज, क्या होगा गेम में। स्क्वाड तैयार करो तो फिर अपनी। हाँ स्क्वाड तैयार कर लो भाई, जल्द से ही आने वाली है या फिर वर्ल्ड के प्रो प्लेयर्स आएंगे आपके स्क्वाड में? कहीं ऐसा तो नहीं 2-3 सर्वर के टॉप वन प्लेयर तो नहीं आएंगे ना? अरे नहीं नहीं, स्क्वाड के खतरनाक प्लेयर आएंगे, एक बार चेक कर लेना आप। चलो भाई ठीक है गाइस, देखते हैं, क्योंकि भाई ने मेहनत तो बहुत ज्यादा की। आप लोगों को पता है कि भाई आप लोग भी जब पुश करते हो रात भी यहाँ पे पता नहीं कितनी लग जाती है भाई, दिन रात बस एक लाख ख्याल आता होगा आपको भाई, तो एक लाख स्कोर करना मतलब कि बहुत टॉप वन में बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं समझ रहा हूँ भाई, टॉप वन पे एक होता है नॉर्मल पुश करना, एक टॉप वन। चलो तो कस्टम करते हैं भाई, देखते हैं कस्टम में कैसा गेम रहता है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे चारों प्लेयर्स आ चुके हैं, और लिटरली भाई मतलब मेरे को ना डर वर लग रहा है, यहाँ पे डीजी देखने के लिए मिल रहा है। ये है यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर, टॉप वन रीजन पे है जो अभी। और गाइज अब करते हैं सेकंड प्लेयर की बात, डीजी वांटेड यहाँ पे भाई, इनका भी 10,000 से ज्यादा स्कोर है भाई। और गाइज अब आते हैं डीजी हार्ड की तरफ भाई, 75 लेवल, 25,000 लाइक्स और स्कोर उससे भी ज्यादा, 29,000 यहाँ पे स्कोर है भाई का। फिर लास्ट प्लेयर हमारे यहाँ पे बचते हैं डीजी पंडित, और इनका भी 11,000 से ज्यादा स्कोर है गाइज। देखते हैं भाई क्या होने वाला है, सामने है स्मूथ, वो भी नए पीसी पे। तो करते हैं गाइज इस गेम को जल्दी से अब स्टार्ट, और स्मूथ का भी अकाउंट में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा स्मूथ का अकाउंट यहाँ पे, और हाँ गाइज डाटा बचा के रखना, क्योंकि शाम को स्ट्रीम भी होनी है आज 6:30। मैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, स्मूथ को देखते हैं भाई क्या कुछ करने वाले हैं। भाई आते ही यहाँ पे हेडशॉट और एक और लगातार बैक टू बैक टू हेडशॉट, भाई नोक को भी हेडशॉट यहाँ पे। मतलब जो यहाँ पे स्टार्टिंग की है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक, यहाँ पे दो प्लेयर अभी बचे हैं भाई। यार मैं सोच रहा था भाई ये और खतरनाक यहाँ पे ना हो जाए नए पीसी पे, और अभी तक तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। पहला ही राउंड है गाइस वैसे तो, पहले ही राउंड में जो 3 हेडशॉट यहाँ पे लगाए हैं, एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हैं, देखते गाइस क्या होने वाला है। बोल यहाँ पे लगाए जरूर है, ओ मिस यहाँ पे हो गया, और इस बार यहाँ पे कर दिया है फिनिश। लास्ट वाला तो लिटरली मेरे को लगा था यार बोल के पीछे एकदम से कैसे बंदे ने मारा है भाई, जंप को कर जा रहे पूरे पंच वंच लेके यहाँ पे। यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं यूएमपी के साथ में
आई नो कैसे नहीं हो, आई थिंक मेरे को लग रहा है दो हेडशॉट उस बंदे को लगे। पे भी आ गए भाई, दो शॉट यहाँ पे भाई। देखो फुल मैप प्लेयर्स तो यहाँ पे फुल मैप रैंक की पुश कर दे तो उनको भैया कि बंदा मरने से मतलब है, बट स्मूथ एक लोग निकाल चुके हैं। कुल मिला के भैया भाई बंदे को बस फेलना है, कैसे भी वो फिनिश हो जाए। बंदा और आई थिंक क्या बोल में छोड़ा जरूर, बट गाइस दोस्त गेमर का यहाँ पे हेडशॉट और कमबैक यहाँ पे होता हुआ जैसा मेरे को लग रहा था। यहाँ पे देखते गाइस स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-1 थर्ड राउंड यहाँ पे। यार भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं बचे, टिटिगल क्या चला रहा है ये बंदा। यूपी इतनी खतरनाक नहीं देखने को मिल रही, बट डेजर्टिकल जो ये बंदा चला रहा है ना भाई, हेडशॉट कितनी दूर हेडशॉट यहाँ पे लगाया है वो। यूपी वर्सेस ओनली टिटिगल चल रही है मेरी। बाय 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 भाई क्या हेडशॉट, एक और यहाँ पे हेडशॉट भाई, मतलब बारिश यहाँ पे कर दी है जो डीगल से बंदा हेडशॉट मार रहा है ना भाई। तो इस बार मिस हो गए भाई, नॉक को तो बड़े हेडशॉट मारते हैं और थोड़ा सा ओके लास्ट गया। एक बार के लिए जब शॉट करूं खाई देना भाई, और वो बंदा सामने आया थक तक यहाँ पे जरूर, बट इजिली वो राउंड भी यहाँ पे निकाल लिया है। स्कोर यहाँ पे हो चुका है 1-2। इस तरीके से बंदा डेजर्ट ईगल चला रहा है ना, नेक्स्ट लेवल। बट ये बंदे भी मेरे को लग रहा है कहीं नहीं कम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इनको पता होता है कैसे यहाँ पे घेरना, कैसे फ्लैंक करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बट जरूर जानती है। अब देखते हैं कैसे मुझे इनको भगा भगा के ऐसे ही मारने वाला है। तीन प्लेयर यहाँ पे एक साथ, एक प्लेयर को रॉक किया है। अरे भाई देखा जंप करके ऐसे भाई जंप करके यहाँ पे फिनिश कर दिया है। स्कोर 2-1 हो चुका है। स्मूथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और फिर से यहाँ पे खतरनाक हेडशॉट भाई, डीगल गॉड बन गया है क्या बंदा। नोक को भी हेडशॉट मार रहा है भाई, फिर यहाँ पे पीछे जरूर रखते। अरे भाई क्या 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 बंदे भारी बैठे होंगे भाई, निकल भाई ये जो ट्रिक है ना भाई, क्या ही निकलते हैं बाहर। बट फिर भी यहाँ पे एक प्लेयर के चक्कर में फंस गए। इस बार वांटेड ने फिनिश कर दिया, 3-2 का पैक यहाँ पे कर रहे हैं। दो प्लेयर को स्मूथ ने नॉक जरूर किया है, एक प्लेयर पीछे और हालत पतली यहाँ पे भाई। इस बार तो बॉल में मार दिया, पिछली बार तो यहाँ पे छोड़ दिया था। बट भाई 6 राउंड यानी कि 11 राउंड का ये मैच होने वाला है। 4-2 यहाँ पे हो गया, एक कमबैक की जरूरत है भाई, बहुत ही प्यारा। भाई लग रहा है बहुत गुस्से में है भाई, मूवमेंट स्पीड देख रहे हो बंदे की, इतना फास्ट यहाँ पे हो गया। यार ये राउंड बहुत जरूरी है लिटरली, अगर भाई पागल वागल हो गए स्पीड। कहीं ना कहीं स्मूथ का डिगल यूज करनी चाहिए, डिगल बहुत अच्छे चला रहा है, लिटरली बहुत अच्छे चला रहा है। भाई ये मैं क्या देखना पड़ रहा है, 5-2 यहाँ पे स्कोर हो गया। ये फिर तो एक शॉट यार गूगल से कुछ यहाँ पे मार दिया ना वही हो सकता है। क्या होने वाला है, ये अभी को 1v3 फाइट और एक और प्लेयर को यहाँ पे रॉक कर दिया है। डेजर्ट ईगल भाई वार्ड बन चुका है यहाँ पे बंदा, कि जहाँ पे भी डेजर्ट ईगल के शॉट्स बस खत्म खत्म खत्म। एक प्लेयर काफी दूर जरूर है गए, देखिए ओपन में आएगा भाई, दोनों प्लेयर के बच गए ओपन में आके कोई नहीं फिनिश हो सकता है। और दोनों प्लेयर एक साथ, और भाई लिटरली यार ऐसा शॉट मैंने नहीं देखा है भाई, कैसे मार दिया वो शॉट। और
और यहाँ से फिनिश 5-3 यहाँ पे, बट एक ही राउंड फिनिश हो जाएंगे गाइस, एक राउंड में अगर उन्होंने खत्म कर दिया, किसने दिया हेडशॉट या बॉडी से फिनिश कर दिया, फिनिश यहाँ पे। और भाई गजब यार, मेरे को बताना गाइस काउंट करके डेजर्ट ईगल से कितने हेडशॉट मारे हैं भाई। यार शॉटगन का हेडशॉट ना मेरा फेवरेट ही रहता है, और जिस तरीके से इस बंदे ने अभी मारा है ना, वाओ वाओ जस्ट वाओ। यहाँ पे एक लास्ट प्लेयर इसको भी यहाँ पे फिनिश, क्या करके मारेगा भाई ये बंदा, कम बैक यहाँ पे 5-4। बट मैं अभी भी इतना कुछ नहीं हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है सिर्फ एक राउंड यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे डेजर्ट ईगल से खेले भाई, नोक को भी यहाँ पे हेडशॉट, क्या खेल रहा है एक और हेडशॉट भाई, एक और हेडशॉट, व्हाट बंदे चारों तरफ से घेर रहे थे और अब क्या ये बंदा दूर से ही मार दे रहा, उनको पास में नहीं आने दे रहा भाई, और हो चुका है 5 और गई, एक लास्ट राउंड यहाँ पे बचा, उनको भी पहले फिनिश कर दे रहा है, एक बंदा फिर से रश किया और फिर से खत्म। सच में जो ये बंदा खेल रहा है भाई, नोक को भी हेडशॉट, लेकिन मुस्लिम लोग देखते हैं भाई जिस तरफ सर होता है उधर हम लोग ट्रैक करते लग जाते हैं, बट इतने हेडशॉट नोक को, भाई मुझे लग रहा है ये अभी तक का सबसे बेस्ट गेम है, क्योंकि जो कमबैक किया है इसने, और जिस तरीके से अपोनेंट्स है भाई, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनको समझा है कि पास नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के राउंड्स निकालने के बाद आपको देखने के लिए मिला हुआ कि इजीली फिनिश कर दे रहे थे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही है, बट क्या मैच था ये, और बाकी जो भी चैलेंज आप लोग बता सकते हो, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, और लाइव स्ट्रीम में आज ज्वाइन करना मत भूलना 6:30।